हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर मैप ऑनलाइन पे। मैं हूं मनोज और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए करंट अफेयर्स, जो हाल के एक दो महीना के अंदर में हुए हैं, जो जो भी इवेंट्स हुए हैं उससे क्या क्या एग्जाम्स में क्वेश्चन अपकमिंग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और किस तरह से उसको आंसर करना है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक करंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स में सबसे पहले कुछ फुल फॉर्म्स हैं जो कि आज करेंट में टॉपिक इसी रिसेंटली न्यूज में रहे हैं, उसमें सबसे पहला है इंडिया इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है हमारे 26 पार्टीज का, पॉलिटिकल पार्टियों का, जिन्होंने नाम दिया है इंडिया, जिसका मेन टैगलाइन है जीतेगा भारत। और ये स्पेशली इसलिए बना हुआ ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट, जो आज के डेट में बीजेपी गवर्नमेंट है, उसके अगेंस्ट में कैसे बीजेपी को हराना है, इसके लिए के एक अलायंस बना है जिसका नाम है इंडिया। नेक्स्ट है NCS, नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी से जैसा कि सबको पता होगा, सिस्मोलॉजी अर्थक्वेक का स्टडी करते हैं जिसमें उसको बोलते हैं, तो नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी आज NCS का फुल फॉर्म है। और इसका काम क्या है, अर्थक्वेक का स्टडी करना कि कंट्री में कहाँ पे ऐसा कुछ पॉइंट्स है जहाँ पे अर्थक्वेक आ सकता है या उसका रिएक्टर स्केल कितना है, ये सब मेजर करना। नेक्स्ट है NCUI है नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया। कोऑपरेटिव सोसाइटीज तो हमारे कंट्री में बहुत सालों से चली आ रही हैं, लेकिन हाल फिलहाल में हमारे होम मिनिस्टर के चेयरमैनशिप में एक समिट हुआ था जिसमें कोऑपरेटिव्स को कैसे बढ़ाया जाए आगे। कोऑपरेटिव्स स्पेशली काम करता है नीडी पीपल के लिए, कि कुछ लोग मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जहाँ से वो फिनंशियली हेल्प मिलता है लोगों को। नेक्स्ट है RPF, ये सबको पता होगा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जो रेलवे में पैसेंजर्स वगैरह की सुरक्षा जो देते हैं वो होते हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स वाले। और नेक्स्ट है UNODC, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स। ड्रग्स एंड क्राइम्स से रिलेटेड जो भी इंटरनेशनल लेवल पे इश्यूज हैं उसको डील करने का काम कौन करता है, UNODC, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स। ये कुछ नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट्स। अभी हाल के कुछ दिनों में कितने लोगों का कहाँ कहाँ अपॉइंटमेंट्स हुआ है ये सब हम देखते हैं। पहला अपॉइंटमेंट है SK सिंह, इनको चेयरपर्सन ऑफ NGT बनाया गया है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल काइंड ऑफ कोर्ट होता है। यहाँ नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का मतलब है कि ऐसा कोई भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड इशू है, डिस्प्यूट है, तो उसका रिड्रेसल किसी को करना है या फाइल करना है केस, तो वो NGT में जा सकता है जहाँ पे इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होगा उसको रिड्रेस किया जाए। नेक्स्ट जो अपॉइंटमेंट हुआ है, चीफ जस्टिस उज्जल भुयान का, तेलंगाना हाई कोर्ट के हैं, चीफ जस्टिस ऑफ एस वेंकट नारायणा भाट्टी, ये केरला हाई कोर्ट के हैं, एंड अपॉइंटेड जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। ये सुप्रीम कोर्ट में इनको जज भी बनाया गया है। कौन कौन है, जस्टिस उज्जल भुयान एंड एस वेंकट नारायणा भाट्टी एंड सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस सुनीता अग्रवाल, जस्टिस सुनीता अग्रवाल को चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट बनाया गया है। जस्टिस आशीष जितेंद्र देसाई को चीफ जस्टिस ऑफ केरला हाई कोर्ट बनाया गया है। सुभाषिस तालपत्रा को चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट एंड जस्टिस आलोक आराधे को तेलंगाना हाई कोर्ट। ये मैं अपॉइंटमेंट्स में हाई कोर्ट के नाम इसलिए ले रहा हूँ कि चीफ जस्टिस के बारे में पूछता है एग्जाम में, कहीं ना कहीं पूछ देता है कि हाई को चीफ जस्टिस ऑफ किसी पर्टिकुलर स्टेट के हाई कोर्ट का कौन है। तो ये अभी नए नए अपॉइंटमेंट हुए हैं, तो इसको आप लोग देखेंगे, क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट है अजीत अगरकर, चेयरमैन ऑफ द सेलेक्टर्स पैनल ऑफ द इंडियन मेंस टीम ऑफ BCCI।
इंडियन मेंस क्रिकेट टीम है उसका चेयरमैन है चीफ सेलेक्टर का अजीत अगरकर। नेक्स्ट जो अपॉइंटमेंट हुआ है तुषार मेहता सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनको रीअपॉइंट किया गया। सोलिसिटर जनरल क्या होता है, अटॉर्नी जनरल का जस्ट सबॉर्डिनेट होता है। गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई भी केस फाइल होता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, तो उसको देखने का काम जो है अटॉर्नी जनरल और सोलिसिटर जनरल का है। कभी सोलिसिटर जनरल जाते हैं, कभी अटॉर्नी जनरल जाते हैं। तो इसमें रीअपॉइंट किया गया है तुषार मेहता को सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है मनोज यादव। मनोज यादव को बनाया गया है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का हेड। के राजा रमन ये चेयरम पर्सन ऑफ इप्सा इंटरनेशनल फिनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, जिसको गिफ्ट सिटी बोलते हैं, जो गुजरात के गांधीनगर में आया है। इसका नए चेयरमैन है के राजा रमन। इसका क्या क्या है, इप्सा का इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया का जो भी फिनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है उसका देख रेख करना कि कैसे करना है, कितना किस करेंसी में करना है, यही काम है इसका हेड अभी बनाया गया है के राजा रमन को। नेक्स्ट है जस्टिस एपी शाही, इनको नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन का हेड बनाया गया है। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन नाम से स्पष्ट है, ये कंज्यूमर फोरम कंज्यूमर कोर्ट जिसको बोलते हैं, कंज्यूमर से रिलेटेड जो भी इश्यूज होता है उसका रिड्रेसल करता है। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, इसका हेड आज के डेट में कौन है, एपी शाही। नेक्स्ट राकेश पाल, इनको इंडियन कोस्ट गार्ड का हेड बनाया गया है राकेश पाल को। शाहरुख खान को आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा, शेख तलल अल फहद अल सबा, इनको ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का हेड बनाया गया है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, हर कंटिनेंट का अपना एक काउंसिल होता है जो ओलंपिक के लिए पार्टिसिपेट करेंगे तो उसको देखता है, तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का हेड बनाया गया है शेख तलल अल फहद अल अहमद अल सबा इनको। अब नेक्स्ट है कुछ अवार्ड्स वगैरह कि अभी हाल फिलहाल में किसको कौन सा अवार्ड मिला है, किस कंट्री का अवार्ड है, कौन देता है। सबसे पहला अवार्ड मिला है माइकल रोजेन, ब्रिटिश चिल्ड्रन राइटर्स हैं, इनको जो अवार्ड मिला है उस अवार्ड का नाम है पेन पिंटर प्राइज 2023। पेन का आज के डेट में दो फुल फॉर्म है, पहले जब ये इनिशिएट हुआ था उस समय पेन का फुल फॉर्म था पोएट एसेसिस्ट नोबेलिस्ट, आज के डेट में इसका फुल फॉर्म माना जाता है पोएट्स प्लेराइट्स एडिटर्स एसेसिस्ट एंड नोबेलिस्ट। और ये पेन पिंटर प्राइज जो है ये यूनाइटेड किंगडम के तरफ से दिया जाता है, इसमें मेनली तीन कंट्रीज होते हैं, एक यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड और कॉमनवेल्थ मेंबर जहाँ पे ब्रिटिश लोगों का कंट्रोल रहा है जिस भी कंट्री में, वो सब कॉमनवेल्थ के मेंबर्स हैं। तो या तो यूनाइटेड का किंगडम का सिटीजन हो, आयरलैंड का हो, या कॉमनवेल्थ मेंबर्स का सिटीजन हो, उसको पेन पिंटर प्राइज दिया जाता है। किस लिए, या तो वो पोएट्स कुछ अच्छा लिखा हो, एसेसिस्ट हो या नोबेलिस्ट हो, ठीक है। नेक्स्ट है AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अवार्ड 2022-23 फुटबॉल फेडरेशन अवार्ड दिया गया। इसमें मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2023 इंडिया का दिया गया है लियान जुगाला चांगटे को, जो इंडिया टीम से भी खेलते हैं और मुंबई सिटी FC क्लब से भी खेलते हैं। और वुमेन्स में दिया गया है मनीषा कल्याण जो पंजाब से खेलती हैं। यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अवार्ड 2022-23 दिया गया है मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर लियान जुगाला चांगटे जो मुंबई से हैं, और वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर दिया गया मनीषा कल्याण जो पंजाब से खेलती हैं। नेक्स्ट है एनी अवार्ड 2023। एनी अवार्ड एक इटालियन ऑयल एंड गैस कंपनी है जो 3 कैटेगरी में देती है,
एनी जो है एनी अवार्ड कौन देता है? इटालियन ऑयल एंड गैस कंपनी, थ्री कैटेगरी में। पहला एडवांस इन्वायरमेंटल सॉल्यूशन कैटेगरी, दूसरा एनर्जी फ्रंटियर कैटेगरी, तीसरा एनर्जी ट्रांजिशन कैटेगरी। इस बार ये पहला जो एडवांस इन्वायरमेंटल सॉल्यूशन कैटेगरी है ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये इंडियन को मिला है। एनी अवार्ड 2023 इन द कैटेगरी ऑफ एडवांस इन्वायरमेंटल सॉल्यूशन जो मिला है वो मिला है थालापल्ली प्रदीप को, जो IIT मद्रास के केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। फ्रंटियर कैटेगरी में मैथ्यू रोसेंस्की को मिला है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल यूनाइटेड किंगडम के हैं। और एनर्जी ट्रांजिशन कैटेगरी में मिला है यू हुआ, जो कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स के प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के। जेफरी आर लॉन्ग, ये भी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के बार्कले के प्रोफेसर हैं। इसमें इम्पोर्टेंट ये एडवांस इन्वायरमेंटल सॉल्यूशन कैटेगरी, क्योंकि ये अवार्ड जो है इनकी इंडियन को मिला है, जिनका नाम है थालापल्ली प्रदीप, ये केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं IIT मद्रास में। नेक्स्ट कुछ अवार्ड्स हैं जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को मिले हैं। अभी फ्रिक्वेंटली उन्होंने बहुत फॉरेन ट्रिप किया है, तो लगभग हर कंट्री में गए हैं जहां उनको एक अवार्ड दिया गया है, जिसमें मोस्टली या तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उस कंट्री का या मिलिट्री अवार्ड है। ठीक है, तो इसमें मैंने एक जिस्ट यहाँ पे दिया है, जिसको आप लोग देखेंगे कि कौन सा अवार्ड किस कंट्री ने दिया है, उस अवार्ड का नाम क्या है और वो सिविलियन अवार्ड है या मिलिट्री अवार्ड है। जैसे पहला है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगो, ये न्यू पपुआ न्यू गिनी एक कंट्री है उसने दिया है। फिर ग्रैंड क्रॉस द लीजन ऑफ द ऑनर, ये फ्रांस दिया है, ये फ्रांस का मिलिट्री और सिविलियन का हाईएस्ट अवार्ड में आता है। ऑर्डर ऑफ द नाइल, नाइल से संबंध है, नाइल रिवर इजिप्ट का है इसलिए ये इजिप्ट ने दिया है। इबाकल अवार्ड एक कंट्री है पलाऊ, उसने दिया है। ऑर्डर ऑफ द ड्रंक ग्याल्पो, भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो दिया गया है। लीजन ऑफ मेरिट US गवर्नमेंट ने दिया है। किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रिकनाइसेंस, बहरीन ने दिया है। ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश रूल ऑफ निशान, इजुद्दीन ऑर्डर ऑफ स्टेट एंड्रू अवार्ड, ये रशिया ने दिया है इनको। ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड, UAE का सिविलियन हाईएस्ट अवार्ड है जो प्राइम मिनिस्टर को मिला है। ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन, फिलिस्तीन ने दिया है। स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान, अफगानिस्तान का अवार्ड है जो इनको मिला है। ऑर्डर ऑफ अब्दुल जई अब्दुल अजीज अल सऊद, ये सऊदी अरबिया का अवार्ड है जो प्राइम मिनिस्टर को मिला है। एक पूरा जिस्ट है, इसको दो तीन बार पढ़ेंगे देखेंगे तो पता चलेगा, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन में आएंगे रिसेंटली जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर को ना अभी रिसेंटली कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने भी अवार्ड दिया है, वो तो किसी पर्टिकुलर कंट्री ने दिया है, कुछ है जो कि ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है। तो तीन चार अवार्ड ये भी है जो देख लें आप लोग। ग्लोबल एनर्जी इन्वायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड 2021, ये अवार्ड कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स ने दिया है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक डिपार्टमेंट है कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स, उन लोगों ने प्राइम मिनिस्टर का अवार्ड दिया है हमारे ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड 2021। दूसरा ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2029 दिया है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने, ये इनको दिया गया है फर्स्ट स्वच्छ भारत अभियान के लिए। स्वच्छ भारत अभियान इंडिया में जो चला था बहुत फेमस रहा है, उसको लेकर के बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने एक अवार्ड दिया है जिनका जिसका नाम है गोल बाल गोलकीपर अवार्ड 2029, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर को दिया गया। इसके अलावा चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 जो है यूनाइटेड नेशंस ने दिया है, जो हाईएस्ट इन्वायरमेंटल अवार्ड है यूनाइटेड नेशंस का ये, जिसका नाम है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर को मिला। इसके अलावा सियोल पीस प्राइज 2018 मिला है, सियोल पीस प्राइज कल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने ये दिया है। ये चार अवार्ड जो है ऑर्गेनाइजेशंस का जो हमारे प्राइम मिनिस्टर को दिया गया हाल फिलहाल, और इसके पीछे देखा हमने बहुत सारे कंट्री जो हैं उनको कोई ना कोई अवार्ड दिए हैं। ये एक जिस्ट है जिसको आप लोग देखेंगे, अपकमिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा है डिफेंस,
डिफेंस में, जैसे कि लास्ट करंट अफेयर के क्लास में मैंने बताया था कि डिफेंस में मेनली एक्सरसाइज आएंगे। एक्सरसाइज में आपको ध्यान रखना है, 3-4 क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा एक्सरसाइज है, किस टाइप का, मतलब मैरी टाइम एक्सरसाइज है या एयर एक्सरसाइज है या आर्मी एक्सरसाइज है। इसके अलावा पूछता है कि ये बायलेटरल किस कंट्री के बीच में होता है या मल्टीलेटरल है क्या? उसके बाद रिसेंटली पूछता है कि कहाँ पे होता है और उस एक्सरसाइज का नाम क्या है। यही 3-4 क्वेश्चन डिफेंस से रिलेटेड आता है। तो चलिए अब सबसे पहला देखते हैं हम लोग, जीमेक्स 2023 एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है जीमेक्स 2023। ये कहाँ हुआ या कब हुआ या मेरी टाइम है कि यह टाइम है। तो जीमेक्स एक्सरसाइज जो है, मेरी टाइम एक्सरसाइज जो है, ये मेनली इंडिया एंड जापान के बीच में होता है। अभी रिसेंटली ये बे ऑफ बंगाल में हुआ है। तो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि बिटवीन इंडिया एंड जापान एक मेरी टाइम एक्सरसाइज बे ऑफ बंगाल में हुआ था, उसका नाम क्या है, जीमेक्स 2023। या पूछ सकता है कि जीमेक्स 2023 एक एक्सरसाइज है जो किन दो कंट्री के बीच में हुआ था या किस टाइप का एक्सरसाइज है, मेरी टाइम है कि नेवी का है। नेक्स्ट है ऑपरेशन साउदर्न रेडीनेस 2023। ये एक्सरसाइज ऑपरेशन साउदर्न रेडनेस 2023 एक एक्सरसाइज है जो सिचिल्स में हुआ है, सिचिल्स इन जुलाई में हुआ है। कंडक्टेड बाय सिचिल डिफेंस फोर्सेस एंड कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस। साउदर्न ऑपरेशन साउदर्न रेडनेस एक्सरसाइज जो है सिचिल्स में हुआ है, जो वहाँ के डिफेंस फोर्सेज एंड कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस ने कंडक्ट किया था। कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस है, बहुत सारे कंट्री का एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे मैरीटाइम फोर्सेस जो होती हैं एक साथ मिलती हैं, अपने स्किल को एक्सचेंज करती हैं और कैसे एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट पहुँचाया जा सकता है ये सब सोचती हैं। नेक्स्ट है इसका, इसमें मेन इस ऑपरेशन साउदर्न रेडीनेस 2023 का जो काम था, इट इन्वॉल्व थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल सेशन इन वेसल्स बोर्डिंग सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन टेक्निक्स मैरीटाइम लॉ एंड नेविगेशन। कैसे जाना है, कैसे नेविगेट करना है सी एरिया में, इसके बारे में ऑपरेशन साउदर्न रेडीनेस 2023 में बताया जाता है। मेन इसमें क्वेश्चन पूछता है कहाँ पे हुआ था या कौन करवाया था, इसमें कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है नॉर्दर्न इंटरेक्शन 2023। नॉर्दर्न इंटरेक्शन 2023 जो है ये चाइना एंड रशिया का सी ऑफ जापान में हुआ था। नाम से स्पष्ट है सी ऑफ जापान यानी मैरीटाइम एक्सरसाइज है, किन दो कंट्री के बीच में हुआ था, चाइना एंड रशिया का, इस एक्सरसाइज का नाम क्या था, नॉर्दर्न इंटरेक्शन 2023। अब नेक्स्ट है नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट एक एक्सरसाइज है जो कहाँ हुआ है, किन दो कंट्री के बीच पे हुआ है, ये पूछ सकता है। तो नोमैडिक एलिफेंट जो है एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडिया एंड मंगोलिया के बीच में होता है। ध्यान रखना है नोमैडिक एलिफेंट जो है एक मिलिट्री एक्सरसाइज जो इंडिया एंड मंगोलिया के बीच में होता है। रिसेंटली ये जुलाई में उलान बटोर में हुआ था, उलान बटोर में हुआ था जो मंगोलिया का कैपिटल है। एक मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया एंड मंगोलिया के बीच में उलान बटोर में हुआ था, उसका नाम क्या था, नोमैडिक एलिफेंट। नेक्स्ट है इन यूएसएन साल्वेस एक्सरसाइज है जो किस कंट्री के बीच में हुआ, कहाँ हुआ। तो ये बायलेटरल एक्सरसाइज है जो कोच्ची में हुआ है अभी जुलाई में, इंडियन नेवी एंड यूएस नेवी के बीच में। कौन सा एक्सरसाइज है, अभी जून जुलाई में इंडिया और यूएस नेवी के बीच में हुआ था, उसका नाम है यूएसएन साल्वेज एक्सरसाइज। इसके अलावा कुछ करेंटली बुक्स आए हैं जो कि देखना है आप लोगों को कौन बुक कौन लिखा है। बुक्स वगैरह भी पूछे जाते हैं करेंटली और पुराने भी बुक पूछे जाते हैं। इसमें पहला है वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 2024 to 1997। तो ये अभिषेक चौधरी ने लिखा है। इसके अलावा माया मोदी आजाद दलित पॉलिटिक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है जिसको लिखा है सुधा पाई एंड सज्जन कुमार ने। इसके अलावा कथकली डांस थिएटर अ विजुअल नैरेटिव ऑफ सेक्रेड इंडियन माइंड के गोपाल कृष्णन ने लिखा है। अजय
अजय आदित्य योगीनाथ, ये थोड़ा फेमस लोग हैं तो इनको याद रखेंगे, क्यों पूछा जा सकता है। शांतनु गुप्ता, लास्ट वन एसएससी के आर मीरा, ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो हाल फिलहाल में लिखे गए हैं, रिसेंटली इन लॉन्च भी हुए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डे है जो हाल फिलहाल का, उसको आप लोग देखेंगे। इंपॉर्टेंट डे में 8 सितंबर इंटरनेशनल लिटरेसी डे, 14 सितंबर हिंदी डे, वर्ल्ड ओजोन डे, ये गलत हो गया है, ये 16 सितंबर वर्ल्ड ओजोन डे, 25 सितंबर सोशल जस्टिस डे एंड 27 सितंबर वर्ल्ड टूरिज्म डे। ये इम्पॉर्टेंट डे है, इसमें मेन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जो इम्पॉर्टेंट इन द सेंस कि कभी ना कभी क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीटिवली आया हुआ है, तो इसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान से देखना है। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स में अभी हाल फिलहाल में क्या क्या हुआ है, तो दिलीप ट्रॉफी, क्वेश्चन में ये भी पूछता है कि दिलीप ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है कि कौन सा स्पोर्ट्स का ये है। दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट में खेला जाता है, ये जोन वाइज होता है, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन, सेंट्रल जोन। तो इस बार 2023 का विनर जो है साउथ जोन रहा है, रनर अप वेस्ट जोन रहा है। इसके अलावा एससीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल एस मेंस इमर्जिंग टीम एशिया 2023, ये भी क्रिकेट का ही है, एशियन क्रिकेट काउंसिल। इसका विनर पाकिस्तान ए टीम है, रनरअप इंडिया ए टीम है। सैफ चैंपियनशिप जो फुटबॉल के लिए है, सैफ चैंपियनशिप 2023 का बेंगलोर में हुआ था, इसका रनरअप इंडिया है और सॉरी विनर और रनरअप कुवैत है, ध्यान रखना है, फर्स्ट टाइम जीता है इंडिया। यूरो अंडर 21 चैंपियनशिप 2023, ये भी फुटबॉल का ही है, ये हुआ था जॉर्जिया में, इसके विनर इंग्लैंड है, रनर अप स्पेन है। नेक्स्ट हॉकी प्रो लीग टाइटल 22-23 अभी हाल फिलहाल में हुआ है, जिसका विनर नीदरलैंड है, रनर अप ग्रेट ब्रिटेन है। इसके अलावा स्पोर्ट्स में ग्रैंड प्रिक्स रेस जो हुआ था, उसमें ऑस्ट्रेलियन, ब्रिटिश, हंगरियन, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स, जितना भी आज के डेट में ग्रैंड प्रिक्स हुआ है सबके विनर मैक्स वर्स्टैपन रहे। और भी कुछ छूट रहा है तो आप लोग देख लेंगे, मोस्टली 2023 में जितना भी ग्रैंड प्रिक्स हुआ है 99% मैक्स वर्स्टैपन ने ही जीता है। इसके अलावा बैडमिंटन BWF मतलब बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, ध्यान देना है, तो बैडमिंटन से रिलेटेड जो भी स्पोर्ट्स होगा उसमें BWF लिखा रहेगा। कनाडा ओपन का मेन सिंगल लक्ष्य सेन इंडिया के जीते हैं, इसको इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडियन जीते हैं तो इसको ध्यान देना है। अब वुमेन सिंगल अकाने यामागुची जापान के, कोरिया ओपन के विनर हैं एंडर्स एंटोनसेन डेनमार्क, और वुमेन्स में आन से यंग साउथ कोरिया, मेंस डबल में इंडियन जीते हैं उसको ध्यान देना है, सात्विक सिराज, रंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 हुआ था, इसके विनर है जापान, रनर अप है चाइना, इंडिया का है थर्ड पोजीशन। पूछ सकता है क्वेश्चन कि एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में इंडिया का कौन सा पोजीशन था, तो वो थर्ड पोजीशन था, फर्स्ट चाइना, सेकेंड जापान। इसके अलावा एक अपॉइंटमेंट हुआ है अभी स्पोर्ट्स फील्ड में, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट है वो बनाया गया है आधव अर्जुना को। नेक्स्ट अब कुछ मिसलेनियस टॉपिक है जिसको डिस्कस करते हैं, ये जो अब इसके पहले जो भी टॉपिक है एक्रोनिम्स
बुक्स वगैरह थे, अवार्ड्स थे, डिफेंस से रिलेटेड टॉपिक था, स्पोर्ट्स से रिलेटेड था। ये वन लाइनर क्वेश्चन है जो आपको हमेशा रिवाइज करते रहना वीकली बेसिस पे, ताकि अपडेट रहें अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। अब कुछ मिसलेनियस टॉपिक है जिसको लेकर डिस्कस करते हैं। पहला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द भारत 6G अलायंस। भारत 6G अलायंस टू इन्हांस इनोवेशन एंड लीडरशिप इन 6G टेक्नोलॉजी, जिसको 6G टेक्नोलॉजी को हम लोग वायरलेस कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। इट इज अ कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग पब्लिक प्राइवेट कंपनीज, एकेडमिया, रिसर्च इंस्टीट्यूट एटसेट्रा। भारत ने एक अलायंस लॉन्च किया है जिसका नाम है भारत 6G अलायंस। इसका मेन मोटिव क्या है कि अदर कंट्री से पहले हम 6G को इम्प्लीमेंट कर दें। 6G टेक्नोलॉजी को वायरलेस कम्युनिकेशन भी बोला जाता है। इसका खास बात यह है कि ये अलायंस जो बना है इसमें प्राइवेट पब्लिक सबको इन्वॉल्व किया गया है, ताकि कम्युनिकेशन स्किल एक्सचेंज किया जाए और जितना भी इसमें इनोवेटिव रिसर्च हो सकता है वो सब किया जाए। तो ध्यान देना है कि भारत 6G अलायंस में सब लोग हैं, पब्लिक वाले भी हैं, प्राइवेट वाले भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड सेट यूरोप्स लार्जेस्ट बैटरी सेल जीगा फैक्ट्री इन यूनाइटेड किंगडम। यूरोप का लार्जेस्ट बैटरी सेल जीगा फैक्ट्री जो कौन बनाया, कंपनी ने बनाया है, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड जो इंडिया का कंपनी है। इसका ऑब्जेक्टिव है इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आजकल आ रहे हैं उसके लिए जो बैटरी स्टोरेज सिस्टम है यूनाइटेड किंगडम में, उस पर लीडरशिप कायम रखना है, उस लीडरशिप में जाना। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बैटरी जीगा सेल फैक्ट्री जो टाटा सन्स ने यूनाइटेड किंगडम में बनाया। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 इन टर्म्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 टू इन्हांस द रिसर्च इकोसिस्टम थ्रू आउट द इंडिया यूनिवर्सिटी कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन। NRF will act as a apex body to provide high level strategic directions of the scientific research in the country. देखिए, अब NRF National Research Foundation, इसके लाने के पीछे मकसद ये था कि अभी तक जो भी ऑर्गेनाइजेशन से प्राइवेट हो, पब्लिक हो, या कि पर्टिकुलर बंदा हो, कुछ भी रिसर्च करता था या कुछ भी उसके दिमाग में आता था हम कुछ नया इनोवेटिव करते हैं, तो खुद से करना पड़ा, एलोन करना पड़ता था, रिसोर्सेज खुद से जुटाना पड़ता था। इसमें हम लोग बहुत सोचते रह जाते थे, पीछे रह जाते थे, तब तक कोई और कंट्री वो रिसर्च कर लेता था। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया बिल लाया जिसका नाम है रिसर्च नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है कि चाहे वो प्राइवेट बंदा हो, पब्लिक का बंदा हो, कोई भी इंस्टीट्यूट का बंदा हो, अगर कोई रिसर्च से रिलेटेड उसके दिमाग में आया है और वो कुछ इनोवेटिव रिसर्च करता है तो वो यहाँ आ सकता है। ये NRF जो है उसको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी और लोगों को उसको एक साथ जोड़ेगी, ताकि स्किल को एक्सचेंज करके जल्दी से जल्दी वो इनोवेशन कर सके। एक तरह से पूरा फैसिलिटी गवर्नमेंट इस NRF के थ्रू प्रोवाइड करेगी किसी पर्टिकुलर बंदे या ऑर्गेनाइजेशन को जो कोई रिसर्च करना चाहता है। नेक्स्ट है, लीडरशिप ऑफ 26 अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया हैव यूनाइटेड फॉर टू फॉर्म अ अलायंस नेम्ड इंडिया। इंडिया अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया था जिसका टैगलाइन है जीतेगा भारत, ये जो अभी करंट गवर्नमेंट है BJP के, उसको हराने के लिए एक अलायंस बनाया गया है जिसका नाम है इंडिया, जिसमें 26 पार्टीज हैं। नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग जांजीबार तंजानिया साइंड MOU फॉर सेटिंग ऑफ अप ऑफ कैंपस ऑफ IIT मद्रास इन जांजीबार तंजानिया। दिस इज द फर्स्ट एवर IIT कैंपस टू बी सेटअप आउटसाइड इंडिया। तंजानिया के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक MOU साइन किया है जिसके तहत
इंडिया का आईआईटी मद्रास जो है वो अपना खुद का कैंपस तंजानिया में एस्टेब्लिश करेगा। ध्यान देना है कि ये फर्स्ट अब खुद का कैंपस होगा। इसके पहले जो भी फॉरेन स्टडी अगर इंडियन कोई भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट कराते थे तो वहाँ के किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का कोई बिल्डिंग वगैरह हायर कर लेते थे जहाँ पर वो अपना क्लास वगैरह लेते थे, स्टडी कंडक्ट कराते थे और सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते थे। लेकिन ये फर्स्ट टाइम है कि खुद का ही अपना सेटअप स्टार्ट करना है, अपना कैंपस खुद का ही होगा आईआईटी मद्रास का, जिसमें वो स्टडी कंडक्ट कराएंगे। नेक्स्ट है ऑन 26 जुलाई 2023 द एमपी गौरव गोगोई हैड मूव्ड अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द रूलिंग गवर्नमेंट। नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ओनली अपार्ट फ्रॉम टू प्रूव द मेजोरिटी बाय द गवर्नमेंट इन द हाउस। द अपोजिशन ब्रिंग्स नो कॉन्फिडेंस मोशन टू ऑल्सो फोर्स द गवर्नमेंट टू डिस्कस द इम्पॉर्टेंट इश्यूज। यहाँ तीन चार क्वेश्चन है इस लाइन में, इसको ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट टाइम तो ये बहुत ही हॉट टॉपिक है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया कौन था, तो वो लाए थे नॉर्थ ईस्ट के एक एमपी हैं गौरव गोगोई। दूसरा इसमें क्वेश्चन बनता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन याद रखना हमेशा लोकसभा में आता है और मोस्टली आता है नो कॉन्फिडेंस मोशन मेजोरिटी प्रूफ करने के लिए, जो करंट गवर्नमेंट है उसका मेजोरिटी है कि नहीं लोकसभा में। लेकिन एक दूसरा कंडीशन है जिसके लिए भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है, वो कंडीशन है कि कोई हॉट टॉपिक है, हो इशू है जो गवर्नमेंट नहीं डिस्कस करना चाहती है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन अपोजिशन वाले लाके उसको फोर्स कर सकते हैं कि आपको डिस्कस करना है। तो यही कंडीशन में ये गौरव गोगोई ने लाया था डिस्कस करने के लिए। ये मणिपुर का भी हाल फिलहाल सब लोगों ने सुना होगा, वहाँ दो कम्युनिटी के बीच में जो बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हो गया था, इसके लिए बहुत प्रॉब्लम मणिपुर में आ गया था, पूरा मणिपुर को जला दिया गया था। इसको डिस्कस करने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन मिल लाया गया था, जो लाए थे गौरव गोगोई। नेक्स्ट है 5 जुलाई 2023 द फर्स्ट चैट बोर्ड ऑफ इंडिया जिसका नाम है टेली मानस वाज इंट्रोड्यूस इन J&K फॉर इन्हांसिंग मेंटल हेल्थ एंड सपोर्ट। फर्स्ट चैट बोर्ड मतलब क्या कि एक ऐसा बोर्ड बनाया गया है जो हर जगह पे अवेलेबल रहेगा, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो उसको रिड्रेसल करने के लिए, स्पेशली हेल्थ से रिलेटेड। तो फर्स्ट इंडिया का जो चैट बोर्ड बना है वो जम्मू कश्मीर में बना है, जिसका नाम क्या है टेली मानस। याद रखना है इंडिया का फर्स्ट चैट बोर्ड जो है टेली मानस है, जो जम्मू कश्मीर में लाया गया है। नेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड इलेक्शन ट्राइब्यूनल ऑफ पनामा साइंड MOU इन पनामा सिटी इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। दो कंट्री पनामा और इंडिया के जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने एक MOU साइन किया है, जिसमें मेन फोकस किया गया है कि कैसे एक दूसरे को इलेक्शन का स्किल जो है कि कैसे एडमिनिस्ट्रेटर किया जा सकता है, कैसे मैनेज किया जा सकता है, कैसे स्मूथली इलेक्शन कराया जा सकता है, इसको लेके जो भी स्किल है दोनों कंट्री के पास वो एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे, इसी को लेकर के एक साइन हुआ है MOU। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किसी अदर कंट्री से जो MOU साइन किया है वो कंट्री कौन है, तो वो पनामा है। अब नेक्स्ट है द UAE विल होस्ट द 20th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जिसको COP28 बोलते हैं, टू द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज फ्रॉम 30 नवंबर टू 12 दिसंबर एट एक्सपो सिटी दुबई। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है उसका जो समिट होगा वो कॉन्फ्रेंस होगा वो कहाँ होगा, तो इस बार ये एक्सपो सिटी दुबई में होगा। अब नेक्स्ट है इंडिया चेयर द 23rd शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑन 5 जुलाई ड्यूरिंग द समिट। ईरान ऑफिशियली ज्वाइन द SCO एज 9th मेंबर ऑफ द कंट्री। तो इंडिया ने चेयर किया SCO का जो 4 जुलाई को आया था। SCO का चेयरमैन कौन रहा 2023 को, तो वो इंडिया है जो चेयर किया है हमारे SCO को। और इस टाइम फर्स्ट टाइम ईरान को हम लोगों ने ज्वाइन किया है अपने SCO में,
ईरान कंट्री को SPO का एक मेंबर बनाया गया है। इसी टाइम पे ध्यान रखना है कि इस जो इंडिया चेयर किया था इसका थीम जो था वो था टुवर्ड्स अ सिक्योर SCO। SCO का जो थीम था जो 23rd जो इंडिया जिसका चेयरमैन बना था उसका नाम था टुवर्ड्स अ सिक्योर SCO। अब नेक्स्ट है विक्टोरिया स्टेट ऑस्ट्रेलिया विथड्रॉ होस्टिंग CW 2026 CWG कॉमनवेल्थ गेम्स साइटिंग सिग्निफिकेंट कॉस्ट ओवररन्स। ऑस्ट्रेलिया का एक स्टेट है जिसका नाम है विक्टोरिया स्टेट, उसने वहाँ पे 2026 का कॉमनवेल्थ गेम होना था उसको उसने ये कर लिया है विड्रॉ कर लिया है ये बोल के कि बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा हो रहा है तो हम नहीं कर पाएंगे, और उसने ये कॉमनवेल्थ अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर दिया है कि हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, कोई और एवेन्यू देख लिया जाए। नेक्स्ट है नाटो समिट वाच ऑर्गेनाइज इन विल्नियस द कैपिटल ऑफ लिथुआनिया ऑन 11-12 जुलाई 2023। क्वेश्चन पूछ सकता है कि समिट नाटो का जो 2023 था वो कहाँ पे हुआ था, विल्नियस हुआ था जो लिथुआनिया का कैपिटल है। नेक्स्ट है द जेंड के रूलर मिशन रूलर लिवलीहुड मिशन वाज ऑनर्ड विद द स्कॉच अवार्ड इन जुलाई 2023 अंडर द थीम स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 इन द गोल्ड कैटेगरी फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग एफर्ट इन क्रिएटिंग मार्केटिंग एवेन्यूज फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप इन द इंडियन टेरिटोरी। जम्मू कश्मीर ने एक रूलर मिशन चलाया था जिसका नाम था रूलर लिवलीहुड मिशन, उसमें स्पेशली वुमेंस लोग के लिए था सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसको बोलते थे कि वो टेलरिंग या कुछ ऐसा आर्ट वगैरह जो लेडीज घर पे बनाती हैं उसको प्रमोट करना था, आगे मार्केट पकड़वाना था उसको, इसको सेल्फ लिवलीहुड मिशन नाम दिया गया था। इसके एफर्ट के लिए इसको एक अवार्ड मिला है जिसका नाम है स्कॉच अवार्ड इन जुलाई 2023। नेक्स्ट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट इनोग्रेटेड द PM मित्रा पार्क एट अमरावती। PM मित्रा का फुल फॉर्म मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क। ये अमरावती एक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, वहाँ पे PM मित्रा पार्क ओपन किया गया है। बेसिक रीजन क्या है कि वो एरिया जो है जूट के लिए बहुत फेमस है तो वहाँ पे टेक्सटाइल से लेकर के हर रॉ मटेरियल मिल सकता है, इसलिए ये टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क जो है एस्टेब्लिश किया गया कहाँ पे, अमरावती में। क्वेश्चन क्या आएगा PM मित्रा पार्क कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है और कौन किस गवर्नमेंट ने किया है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया है और अमरावती डिस्ट्रिक्ट में किया है। नेक्स्ट है ओडिशा गवर्नमेंट अप्रूव्ड अम्मा ओडिशा नवीन ओडिशा आवर ओडिशा न्यू ओडिशा स्कीम, इट एम टू प्रोटेक्ट द प्लेसेस ऑफ वारशिप अपग्रेडेड साइट्स ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस एंड इम्प्रूविंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटल एक्सेस। ओडिशा गवर्नमेंट ने अभी एक स्कीम लॉन्च किया है जिसका नाम है अम्मा ओडिशा नवीन ओडिशा, जिसका मतलब है आवर ओडिशा न्यू ओडिशा। इसका मेन जो सिग्निफिकेंस है इसमें मेन जो काम करना है कि जो भी वर्शिप प्लेसेस हैं या नेशनल इम्पोर्टेंस के जो भी हेरिटेज वाला बिल्डिंग्स वगैरह है उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको मेंटेन करके रखना है और उसको डिजिटल एक्सेस पे लेके जाना है। नेक्स्ट है तमिलनाडु गेट्स DGCA अप्रूवल फॉर इट्स फर्स्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल। The training school located in Salem, it provides the opportunity to aspiring pilots in the region to get professional training and fulfill their dreams of becoming a skilled aviator. Tamil Nadu ko DGCA, DGCA kya hai ji? Directorate General of Civil Aviation. एक ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है जो एयर से रिलेटेड जो भी लेना है, प्लेन चलाना है उसका लाइसेंस लेना है, पायलट को ट्रेनिंग करने के लिए स्कूल खोलना है तो उसका ट्रेनिंग लेना है, ये सब DGCA के अप्रूवल से होता है।
डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। इसने तमिलनाडु को एक अप्रूवल दिया है जिसके तहत तमिलनाडु अपना फर्स्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल खोल सकता है, जहाँ पे वो अपने एरिया के लोगों को पायलट की ट्रेनिंग दे सकता है। और ये कहाँ पे ये स्कूल खुलेगा? सलेम में, सलेम एक डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में, वहाँ पे ये स्कूल खुलेगा। ये रहा एक हमारा आज का करंट टॉपिक जिसको हम अब समअप करते हैं। इसको ध्यान से देखेंगे, अपकमिंग एग्जाम्स के लिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।